The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So cod liver oil kya hota hai? Cod liver oil obtain kiya jata hai basically aap usko डायरेक्ट कॉड का लिवर भी खा सकते हैं, कई लोग खाते हैं, या कॉड लिवर ऑयल का सप्लीमेंट ले सकते हैं। जी हाँ, कई लोग, कॉड एक फिश है राइट, उसका कॉड लिवर इज यूज्ड एज अ नो सोर्स ऑफ विटामिन ए विटामिन डी राइट, विटामिन ए विटामिन डी ज्यादा है यहाँ पर। सो एंड दिस कैन बी यूज्ड टू ट्रीट हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, किडनी डिजीजेस, जिनको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डिप्रेशन, ऑटोइम्यून डिजीजेस है, ऐसी सारी बीमारियों में यूज होता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस में यूज होता है, वूंड्स हीलिंग बेटर करता है, तो ये सब बोला जाता है। क्या वो इफेक्टिव है? देखिए, नॉर्मली एविडेंस में ये देखा गया है कि कॉड लिवर ऑयल जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अगर हम बोले कि कॉड लिवर ऑयल कैसे काम करता है, कॉड लिवर ऑयल दे कंटेन अगेन फैटी एसिड्स जो कि प्रिवेंट करते हैं ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इजीली, एंड दीज फैटी एसिड्स लाइक ओमेगा 3 विल आल्सो रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी, विटामिन सी ये अच्छी मात्रा में होते हैं कॉड लिवर में, और रिसर्च में ये देखा गया है कि जो लोग फिश ज्यादा खाते हैं और कॉड का लिवर खाते हैं उनका रिस्क एज यूजुअल इवन एजिंग के रिलेटेड कई सारी बीमारियां होती हैं उम्र के साथ, उसमें भी कम देखा गया है। डिप्रेशन 29% चांसेस कम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होते हैं, ब्लड प्रेशर थोड़े कम होते हैं। ऑल्दो इस पर रिसर्च अभी चल रहा है और बहुत ज्यादा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि इसको एज अ दवा यूज करें, बट देन यस, हैविंग अ गुड सोर्स ऑफ you know vitamin D, vitamin C in diet is good for all these condition, even vitamin D के लिए, wound healing के लिए right, और safety concerns में अगर हम बात करें even cod liver में it's very likely to be safe in जो लोग जितने भी खाएं, और थोड़ा बहुत side effect जैसे हमने बता चुके हैं, belching हो सकता है, bad breath आ सकती है, किसी को gas हो सकती है, loose stool हो सकता है, nausea हो सकता है, और दूसरी चीजें हाई डोज में नहीं लेना ऑब्वियसली हर बार, क्योंकि ऑब्वियसली क्लॉटिंग और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है, तो ब्लड थिनिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है राइट, और विटामिन डी विटामिन ए लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं, दोज ऑल्सो मे हैव प्रॉब्लम्स, हमारा डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज हैं उनके ऊपर आप देख सकते हैं, और प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये कॉड लिवर ऑयल सेफ है लिमिटेड अमाउंट्स में, डायबिटीज में बहुत अच्छा इफेक्टिवनेस देखी गई है इसमें इसमें, लेकिन एक चीज है डायबिटीज में या बाकी सारी चीजों में कॉड लिवर ऑयल में थोड़ा सा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ देखा जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है ये देखा गया, लेकिन बाकी एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है बॉडी के अंदर, सो कॉड लिवर इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, अच्छी चीज है, नो बिग डील, कॉड लिवर ऑयल इज ऑल्सो गुड, और लेकिन इसके कई सारे हर्ब्स के साथ रिएक्शन भी देखे गए, एज जस्ट लाइक ओमेगा 3 ब्लड प्रेशर की दवा के साथ खाओगे तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, लो थोड़ा रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग वाली दवा के साथ खाओगे तो उसका इफेक्ट बढ़ सकता है, और कई सारी ऐसी और भी चीजें हैं जिनको ब्लड प्रेशर पे या ब्लड क्लॉटिंग पे इफेक्ट है, ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट आपका दूसरी चीजें जो घर पे आप खाते हैं जैसे दूध पे भी, दूध भी ब्लड प्रेशर कम करता है, केसिन प्रोटीन कोएंजाइम क्यू अल आर्जिनिन है ना सी पेप्टाइड ये सारी चीजें कैट्स क्लॉ, और अगर हार्ट की बात करें ब्लड क्लॉटिंग की बात करें गार्लिक जिंजर गार्लिक टर्मरिक राइट ये सब चीजें जो है आपका क्लोव राइट ये सब आपका ब्लड क्लॉटिंग स्लो करते हैं, इसलिए इसको भी नेचुरल चीजों में डाला जाता है, सो दैट इज ऑल्सो वन गुड थिंग राइट। और हेलो, सो दीज इंटरेक्शन इज देयर एनीथिंग, फूड का तो कोई इंटरेक्शन नहीं है कॉड लिवर का, और कॉड लिवर का कोई स्पेसिफिक डोज नहीं है, आपको एज के अकॉर्डिंग हेल्थ के अकॉर्डिंग सेवरल कंडीशंस के अकॉर्डिंग कॉड लिवर ऑयल ले सकते हैं, बेसिकली उसका जो वंस अ वीक यू कैन ईट दैट
थिंग, और यू कैन टेक अ सप्लीमेंट वंस अ डे और अल्टरनेट डे ऑल्सो. तो वो सिंपल सी चीज है. अल्टीमेटली ऐसा कोई भी सप्लीमेंट लेते समय अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, उसकी मेडिकल कंडीशन अलग होती है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी सप्लीमेंट, एनी काइंड ऑफ थिंग, नो मैटर इफ इट इज ओमेगा 3 और इट इज कॉड लिवर ऑयल, फिश ऑयल्स, व्हाटएवर. सो यस इट इज, दे आर गुड, मतलब आप ले सकते हो, सेफ है, लेकिन इसका रिएक्शन होगा, इंटरेक्शन क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया डॉक्टर को दे दें. अगर आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये मेंशन कर दें. दैट इज द आइडिया व्हिच आई एम सेइंग, राइट. बाकी जरूर इसका फायदा मिल सकता है आपको, कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है. और रिसर्च एविडेंस जब इसको कंक्लूसिवली आगे चल के प्रूव करेगा, तो फिर ये एक्चुअल मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में भी आएगा कि भाई कॉड लिवर ऑयल ले लो. वैसे देते हैं कई डॉक्टर ओमेगा 3, तो मैं खुद देता हूँ कई सारों को, ईपी और डीएचए का कॉम्बिनेशन, सो दैट इज अ गुड थिंग. कॉड लिवर ऑयल इज ऑल्सो गुड. आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट, जस्ट लाइक ओमेगा 3. ओमेगा 3 वाला आपने अगर पार्ट नहीं देखा तो वो देख लेना बैक करके दूसरे इसमें. थैंक यू सो मच. कोई सवाल है तो जरूर लिखिएगा.